सारी प्रक्रिया गुरु ध्यान से होती है, गुरु के माध्यम से होती है। तो गुरु का ध्यान हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मूल कंसेप्ट जो है वो हम लोग समझ गए हैं। तो थोड़ा सा तारा के बारे में समझकर आज हम लोग ध्यान पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ज्यादा समय हम लोग ध्यान को देंगे। ठीक है, सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सांसों पर ध्यान, आते और जाते हुए श्वासों को देखें। हम यह प्रक्रिया गुरु माध्यम से करते हैं। सूक्ष्म में सभी गुरु सत्ताएं एक साथ काम करती हैं, तो सभी गुरु सत्ताओं की सम्मिलित ऊर्जा को, ज्ञान और विवेक की ऊर्जा को हम श्वेत प्रकाश के रूप में अपने अंदर धारण करेंगे। गुरु के सूक्ष्म सत्ता को अपने अंदर धारण करेंगे। अखंड ब्रह्मांड में श्वेत प्रकाश के रूप में बिखरी हुई ज्ञान और विवेक की ऊर्जा को अपने सहस्रार चक्र से अपने अवचेतन मन में प्रविष्ट होते हुए ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। गुरु की ऊर्जा ही सर्वत्र है, संपूर्ण है। इस भाव को धारण करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। आज हम लोग महादस विद्या के दूसरी शक्ति तारा का ध्यान करेंगे। कल हम लोगों ने महाकाली का ध्यान किया था और महाकाली के ध्यान में हम लोगों ने जाना था कि हमारे अंदर किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता की स्थापना महाकाली के माध्यम से होती है। आज हम जानेंगे कि माँ तारा की ऊर्जा क्या है और उस ऊर्जा के माध्यम से, बस हम लोग एक उनके तस्वीर के माध्यम से इस रहस्य को जानेंगे और फिर उस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि माँ तारा क्या है। माँ तारा तीन स्वरूप में जानी जाती हैं, एक जटा, नील सरस्वती और तारा। उनका जो स्वरूप है वह यह है, हृदय पर आड़ूढ़, चारों हाथों में एक में खप्पर, कमल, कैंची, खड्ग, यह उनकी पहली मुंड माला, 50 मुंडों की माला। दूसरा उनका एक बहुत सुंदर सौम्य रूप है, मातृत्व रूप, शिव को, विष को उन्होंने किस प्रकार, ये एक कहानी है, समुद्र मंथन के समय जब शिव ने विष धारण कर लिया था और उस विष के धारण से जब उनकी चेतना समाप्त हो गई थी तब माँ तारा का आगमन हुआ था और उन्होंने अपने दुग्ध पान के द्वारा उनके अंदर के विष का शमन किया था। यह तारा पीठ में स्थापित तारा की मूर्ति है जिसको आमतौर पे हम देखते हैं। यह बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध ने जिस तारा की उपासना की थी, कमल सूत्र नामक उनके ग्रंथ है जिसमें बहुत व्यापक में माँ तारा के साधना की चर्चा है और स्पिरिचुअल हीलिंग के क्षेत्र में
जो रेकी ऊर्जा है, जिस रेकी हीलिंग की बात होती है, उसमें भी यह कहा जाता है कि उनके जो उपासक थे, जो रेकी के प्रवर्तक थे, उसुई महोदय, उन्होंने तारा की ही उपासना बौद्ध धर्म में तिब्बत के क्षेत्र में जाकर इसी उपासना पद्धति के माध्यम से अपने अंदर उच्चतम ऊर्जा को प्राप्त किया था। नील सरस्वती भी उनका एक स्वरूप है। नील सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी मानी जाती हैं यह, और माना यह जाता है कि तारा की साधना से आपका स्वर संगीत में हो जाता है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो कुछ भी बोलते हैं वह सार्थक होता है, और जिस किसी के पास भी आप बोलते हैं वह आपकी बातों को स्वीकार करता है, आपकी वाणी में आकर्षण आ जाता है और आपके आकर्षण में सभी लोग आ जाते हैं और आपकी बातों को मानते और सुनते हैं। 10 महाविद्या में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह यंत्र की बात है। जब आप तंत्र में जाएंगे, 3 चीजें होती हैं तंत्र में, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र को माना जाता है जो भी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के शरीर माने जाते हैं यंत्र, और उसके मंत्र उनकी प्राण ऊर्जा मानी जाती है, और जब इन दोनों को समन्वित करके हम व्यवस्थित करते हैं तो वह तंत्र हो जाता है। किसी भी कोई भी ऊर्जा है, यहाँ यह समझिए जो नाम लिया जाता है 10 महाविद्या का हो, या भैरव का हो, या भैरवी का हो, या देवी देवताओं का हो, जिस किसी का भी नाम लिया जाता है वो वास्तव में क्या है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को यंत्र में स्थापित करते हैं, और मंत्र उसकी प्राण ऊर्जा होती है, मंत्र के द्वारा उसमें प्राण की प्रवाहित किया जाता है, और यह यंत्र और मंत्र जब आपस में एकाकार हो जाते हैं तब तंत्र की स्थापना होती है, यानी एक व्यवस्था, जैसे प्रजातंत्र है प्रजा की व्यवस्था, राजतंत्र है राज की व्यवस्था, उसी तरीके से यह तंत्र है देवी देवताओं की प्राण ऊर्जा की व्यवस्था जब हम करते हैं। तो यह जो यंत्र होता है, यह यंत्र उनका शरीर माना जाता है, और यंत्र जो है हमें बनाना नहीं है, इस यंत्र का क्या करना है, हमें सोचना है। जब हम उनकी प्राण ऊर्जा को अपने अंदर धारण करेंगे तो हमें सोचना है कि हम यही यंत्र हैं, इसी स्वरूप में यंत्र हैं। देखिए यहाँ पर जब यंत्र होगा, एक मनुष्य में इस यंत्र की स्थापना कैसे होती है, ये मान लीजिए कि हम और आप तारा हैं, तो इसमें यंत्र त्रिभुज कहाँ होगा, वृत्त कहाँ होगा, देखिए ये जो है यहाँ पे आपके देखेंगे, यहाँ यह जो शव है, ये शव रूप जो शरीर है, यह हमेशा प्रथमतः जो मनुष्य होता है वह क्या होता है, शव स्वरूप होता है, और जब शक्ति उसके ऊपर आरूढ़ होती है तब वह चेतनशील होता है। यह स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पर चेतना की बात है, चेतनशील होना और चेतना विहीन होना। जब चेतना विहीन रहता है तो यह शव के समान होता है, और जब उस पर चेतना प्रविष्ट करती है, चेतना आरूढ़ होती है, तब वह जागृत हो जाता है, उसका सौ स्वरूप खत्म हो जाता है। चेतना किस किस रूप में होती है, जब आप इस चित्र, आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है, इसमें चेतना जो है यह देखिए मुंडी है, 50 मुंड माला जो है यह 50 मातृका वर्ण है, 50 मातृका वर्ण, अ आ ई उ ए औ, ये 50 जो है मातृका वर्ण, यह शब्द कि जो ध्वनि से अक्षर जो है शब्द बनकर ध्वनि बनती है वह आप में चेतना लाती है। जब यह चेतना आप में आ जाती है, अक्षरों के प्रति, शब्दों के प्रति, भावों के प्रति, विचारों के प्रति, तब
आप शव से शिव बन जाते हैं। यह जो है इनके हाथ में कैंची है। कैंची का काम क्या होता है? कैंची का काम सही दिशा देना अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने नकारात्मकता को काटना, अपने शेप को सही आकार देना। यह कपड़े के शेप को सही आकार देता है, कागज को सही आकार देता है। तो जब आप में सही आकार देने की, अपने भाव विचार की, अपने लक्ष्य के सभी सही आकार देने का भाव आ जाता है, तब आप चेतनशील हो जाते हैं और शव से शिव बन जाते हैं। इसी तरीके से जब आपका सहस्रार, ये कमल सहस्रार का द्योतक है, जब आपके सहस्रार चक्र चेतनशील हो जाते हैं, जब आपके सहस्रार चक्र पर कमल दल खिल उठते हैं, ये कमल दल हर एक चक्रों पर है, अलग अलग पंखुड़ियों के हिसाब से वहां पर वो मातृका के रूप में उपस्थापित है। तो जब यह खिल जाते हैं तब आप शव शरीर आपका चेतनशील हो जाता है और आप शिवमय हो जाते हैं। खड्ग भी आपकी नकारात्मकता को घटाने के लिए है। ऊपर देखेंगे सर्प है जो आपको सचेत करता रहता है, आपके विष न इधर से उधर विषैली चीज ना जाए, एकाग्रचित रहे। तो ये सारी चीजें जब जागृत, ये सारी समझ जब आप में आ जाती है, माँ तारा की ऊर्जा आप में जागृत हो जाती है। और तारा को आप किस किस रूप में लेंगे? तारा तारने वाली है, यानी जब उनकी यह ऊर्जा सब आप में जागृत हो जाती है तो आप दुनिया को सही स्वरूप तारने वाले बन जाते हैं, दुनिया में सही स्वरूप में चीजों को फैलाने वाले बन जाते हैं। उसके बाद आपको तारा से लेंगे तो प्रकाश है जो कि ब्रह्मांड में चमकता रहता है, प्रकाश देने वाली ऊर्जा हो गई तारा, तो उस रूप में तारा को लेके चलते हैं। विष का इस रूप में देखेंगे तो अपने दुग्ध पान के द्वारा, मातृभाव से अपने दुग्ध पान के द्वारा वह आपके अंदर के विष को, विष यानी नकारात्मकता को समाप्त करती है। वह हमेशा मातृवत्सला होती है और यानी आपको भी मातृवत्सला होना है और दुनिया के विष को समाप्त करने के लिए काम करना है। जब आप तारा के ध्यान में जाते हैं, तारा को अपनाते हैं, तो आपको भी ऐसे ही गुणों से आप स्वतः युक्त हो जाते हैं। ये इतनी खूबसूरत होती हैं, उनकी खूबसूरती, उनका सौंदर्य दोनों रूप में, उसी रूप में इनका होता है। यह खूबसूरती, यह सौंदर्य आपका आंतरिक खूबसूरती और सौंदर्य है। यह नील सरस्वती के रूप में ज्ञान और विवेक आपके अंदर उत्पन्न करती है। अंत में क्या होता है, आपका जो है नील स्वरूप में आपका कमल दल खिल जाता है। आपके जब ध्यान करते हैं तो यह आपका ऊपरी भाग और आपका निचला भाग, दो भागों में जो शरीर आपका हृदय क्षेत्र से, अनाहत क्षेत्र से, ऊपर अध्यात्म का क्षेत्र और नीचे संसार का क्षेत्र है, ये दोनों ही संतुलित हो जाता है। जब आप इस विद्या से जुड़ते हैं तो आपके ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, संसार और अध्यात्म दोनों बैलेंस हो जाता है। आपकी बुद्धि, आपकी बोली, आपके भाव विचार सभी एक हो जाते हैं और आप संसार में समृद्धि पाते हैं। संसार में आप दृष्टा भाव में रहते हुए आनंद में रहते हैं। तो तारने वाली ऊर्जा, चमकने वाली ऊर्जा, अध्यात्म और संसार को एक करने वाली ऊर्जा, स्वयं को जितनी भी नकारात्मक है, विष है, उस विष को दुग्ध पान के द्वारा हर लेने वाली ऊर्जा माँ तारा की ऊर्जा। तो आज हम इस ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत करेंगे,
ध्यान के लिए हम लोग तैयार होंगे। यस, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें। यस खुशबू, अनम्यूट कर लें। जी नमस्ते दीदी। दीदी ये पूछना था कि जैसे अभी हम गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं, तो हमने काली, तारा, त्रिपुर भैरवी ये सब से हम कर रहे हैं, और सबके मूल में कल भी हमने देखा कि काली में भी बाद में प्रकाश ये कि सूर्य का प्रकाश भी, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो भी हमने तारा रूप में भी प्रकाश की बात की। तो जो हम आश्विन नवरात्रि करते हैं उस समय फिर इनकी सौम्य रूप में ही पूजा करते हैं क्या हम, क्योंकि तब शैलपुत्री और इस ये वो नाम सब अलग हो जाते हैं, तो वो एक क्या डिफरेंस है, वो एक मतलब मुझे जानना था कि एक ही के शक्ति के रूप में कि गुप्त नवरात्रि में क्योंकि हम तंत्र साधना कर रहे हैं या मतलब सिद्धि के लिए की जाती है इसलिए रूप अलग हो जाता है शक्ति का, और उस समय रूप अलग हो जाता है क्योंकि उस समय भौतिक संसार की इच्छाएं ज्यादा उस समय होता ना, ये संतान प्राप्ति के लिए, ये धन प्राप्ति के लिए, इसका दिन ये उसका दिन, तो क्या ये डिफरेंस है या मतलब ये एक मन में सवाल था। कोई डिफरेंस कहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ एक ही है, सारी शक्तियां एक ही हैं। जब आप माँ के रूप में है तो खुशबू माँ बन गई, जब पत्नी के रूप में है तो पत्नी बन गई, जब वह बेटी के रूप में है तो बेटी बन गई। वही एक ही खुशबू है लेकिन कई कई रूपों में काम कर रही है, तो जिस समय जिस काम की जरूरत होती है उस समय भी 10 महाविद्या की पूजा होती है, उस समय भी 10 महाविद्या को लेकर पूजा करते हैं। जो जिस सिद्धि में रहते हैं वो उस समय करते हैं, जिनको जो पसंद है वो करते हैं। तो इसलिए यह नहीं है कि आश्विन में वो नहीं कर सकते हैं, या अभी दुर्गा की पूजा नहीं होगी, या अभी दुर्गा ऊर्जा का नहीं होगा। अभी भी दुर्गा की ऊर्जा का हो रहा है, अभी भी नवरात्रि में दोनों ही तरह की साधना हो सकती है, और बिल्कुल वो सांसारिक साधना के लिए है तो आध्यात्मिक साधना के लिए भी है, और यह भी आध्यात्मिक साधना के लिए है तो सांसारिक साधना के लिए भी है। दोनों ही तरह के साधनाओं में अध्यात्म और संसार दोनों ही बैलेंस होते हैं, दोनों ही संतुलित होते हैं। अब ये पसंद की बात है कि कभी हम वो, कभी हनुमान की पूजा कर लिए, हनुमान जयंती के दिन शिव की पूजा कर लिए, तो क्या शिव और हनुमान अलग अलग है? नहीं, शिवांश ही अनुमान है, शिव के ही अंश अनुमान है। इसी तरीके से हम जब शिव और शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो वो नव दुर्गा भी है, तो वो देवताओं के ही तेज से उत्पन्न हुई थी, और काली भी देवताओं के ही तेज से उत्पन्न हुई है, तो इसलिए सभी एक हैं, अलग अलग नाम में है, क्यों अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से वो देती है। अगर हम एक काली की भी करते हैं तो दसो जो है काली से ही उत्पन्न हुई है, एक पार्वती की करते हैं तो ये दसो ऊर्जाएं पार्वती की ही है, यहाँ करते हैं श्यामा काली दरभंगा में और वो कहते हैं कि वो सीता जी की स्वरूप है, वो सीता जी भी काली की स्वरूप रही है, तो हर देवी देवताओं को हम किसी न किसी रूप में लेकर काम करते हैं, और लेकिन अंत में वो एक ही जगह जाकर मिलना है, वह प्रकाश आपके अंदर प्रकाशित हो और आपके अंदर का अंधकार समाप्त हो। बस उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी नकारात्मकता हमेशा जड़ से समाप्त हो और आप एक ऐसे दीप्त दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं जिसमें कहीं कोई कलह न हो, कहीं कोई क्लेश नहीं हो, कहीं कोई बैर द्वेष नहीं हो, कहीं कोई ईर्ष्या नहीं हो, कहीं कोई शक नहीं हो, कहीं कोई संदेह नहीं हो। आप मानवता के लिए जिए, आप लोगों के सहयोग के लिए जिए, आपके मन में कोई आक्रोश किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो, भौतिक सुख संसाधनों के पीछे भागते भागते आप अपने मूल तत्व को ना भूल जाएं। इसलिए बारंबार हर तरीके से हर कोण से आपको घींच कर लाया जाता है कि आप श्वेत प्रकाश पुंज स्वरूप आत्म शरीर है और अपने आत्मा के प्रकाश को पहचाने और उस आत्मा के प्रकाश के धवलता से, उसकी ज्योति से सारी दुनिया को प्रकाशित करें। तो बस यही एक मेन उद्देश्य रहता है, और संसार और अध्यात्म दोनों एकाकार हो जाए, आप दोनों में फर्क नहीं करें, आपका संसार आपका अध्यात्म हो और आपका अध्यात्म आपका संसार हो, यही
आपने की स्थापना के लिए ये सारे प्रपंच हैं, ये सारी चीजें उसी प्रपंच के लिए हैं कि आप दोनों को एकाकार कर लें। तो इसलिए सब एक है, बस उद्देश्य नाम अलग अलग है, और इसलिए कोई आपको पसंद आ जाए, कहीं कोई आपके हृदय में क्लिक कर जाए, कहीं कोई आपको इतना खा जाए कि उसी में आप खो जाए। तो साधना में हम बढ़ते रहते हैं बहुत तरीके से करते 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 कभी कोई एक दिन हम ध्यान में बैठे, आहा बस ये भाव आ गया, आहा ये आहा जिसमें आ गया बस उसी में हम लीन हो गए। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को देख रहे थे, जब वो आंख बंद करते माँ काली, उनके गुरु ने कहा उसको तोड़ दो, उसको खत्म करो, कहे कि नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता है। क्या किया उनके गुरु ने, बोले जैसे ही वो सामने आएगी तुम बताना, मैं तुम्हारे आज्ञा चक्र पर भाला भोग के से तोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे ही वो आई उनके आंसू बहने लगे, तोतापुरी समझ गए कि आ गई, उन्होंने भाला भोका और समाधि में चले गए। माँ काली का मूर्त रूप टुकड़े टुकड़े में बच गया, खंड खंड हो गई काली, और वही खंड खंड काली फिर 50 मातृका में फैल गई, शब्द उनके बाके एकदम से उनके सिद्ध हो गए, अब वह जो बोलते वही सिद्ध हो जाता, तो वह समाधि में चले गए। महीनों समाधि में रहे, और जब खुले तो 50 मातृका एक साथ जुड़कर अजूबा काली के रूप में उनके साथ। तो कब क्या आपके अंदर क्लिक कर जाएगा नहीं जानता है, इसलिए हर तरह की साधना में हम सम्मिलित होते हैं, हर तरह की साधना करते जाते हैं, और करते करते एक दिन हमारे अंदर सब कुछ एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, द्वंद मिट जाता है, भेद मिट जाते हैं, और सब एक हो जाता है। वह प्रकाश चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है। बस हमें उसी उच्चतम पर पहुंचना है कि कहीं भी कोई अलग नहीं, सब एक। बस यही है इस साधना का, हर साधना का मूल जड़ तत्व तो यही जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग साधना के लिए तैयार हो जाएं, सभी लोग सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव।